नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। चीन से शुरू हुआ ये वायरस दुनिया भर में 3000 से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतार चुका है और 90000 से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड है। वहीं अमेरिका में 150 मरीज कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए और मरने वालों की संख्या 11 पहुंच चुकी है, जिसमें से 10 वॉशिंगटन से हैं। इसका प्रकोप सबसे ज्यादा टेक्सास और नेब्रास्का में देखा जा रहा है। वहीं अब वॉशिंगटन और फ्लोरिडा ने कोरोना वायरस को रोकने में मदद करने के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम ने कोरोना वायरस के जवाब में एक स्टेट वाइड इमरजेंसी की घोषणा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में 53 मामले हुए हैं। केविन न्यूसम ने क्या कहा, देखिए जरा। कैलिफोर्निया राज्य मामलों की पहचान करने और इस कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद करने के लिए सरकार के हर स्तर पर तैनात है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो अब तक यहां 29 लोगों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने 4 देशों के नागरिकों के लिए सामान्य एवं ई वीजा पर रोक भी लगा दी है। वैसे अब हम तो आपको यही कहेंगे कि पैनिक ना होकर आप अपना ध्यान रखें, लोगों से हैंडशेक करने के बजाय नमस्कार करें। जिन्हें थोड़ा सा भी कफ या कोल्ड है वो घर में रहें और हेल्दी फूड जरूर खाएं। के बहुत सारे केसेस अपीयर हुए हैं, ये चाइना के एक प्रोविंस में आने शुरू हुए थे, लेकिन अभी 30 से ज्यादा प्रोविंस में चाइना के अंदर आ गए हैं। और इस दौरान बहुत सारे चीन में ट्रेवल करने वाले लोग वो दुनिया के दूसरे देशों में भी गए और दुनिया के अन्य देशों में भी कहीं कहीं इसी वायरस के केसेस अपीयर हुए हैं। मैं भारत की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि भारत ने भारत के अंदर कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस का कोई भी दुष्प्रभाव ना हो, इसके लिए जितनी अधिक से अधिक सावधानियां ली जा सकती हैं उनको दुनिया में सबसे पहले लेना प्रारंभ किया। हमने इस बात की जानकारी आते ही सबसे पहले उन 7 बड़े एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोची, इन 7 जगहों पर हर उस पैसेंजर की जो कि चाइना से भारत के अंदर आ रहा था इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेकर, उनकी एयरपोर्ट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करनी शुरू की। थर्मल स्क्रीनिंग का अभिप्राय होता है कि हम एक स्कैनर में से पैसेंजर को गुजारते हैं और अगर उसके उसमें से निकलने पर उसका थोड़ा सा भी नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो पता लग जाता है और फिर उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री भी ली जाती है। और अगर जहाँ पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या उसको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं उस वायरस की इलनेस के, तो उसको आइसोलेट किया जाता है। उसकी जो आगे की ट्रेसिंग्स की जाती हैं, कॉन्टैक्ट्स उसके, उनको सर्विलेंस में रखा जाता है। तो मुझे ये बताते हुए आपको खुशी भी है, संतोष भी है कि हमारे सभी अधिकारियों ने और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने और जितने भी संबंधित दूसरे मंत्रालय हैं उनके सहयोग से, जैसे इसमें सिविल एविएशन मंत्रालय का भी बहुत महत्वपूर्ण हमें साथ मिला है, होम मिनिस्ट्री से भी हम लोगों ने सहयोग लिया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी सहयोग लिया है, शिपिंग मिनिस्ट्री से भी सहयोग लिया है और सभी एयरपोर्ट्स पे जो हमने काम 7 एयरपोर्ट्स पे शुरू किया था, अभी वो आने वाले समय में 20 एयरपोर्ट्स पे 1 या 2 दिन के अंदर इस स्क्रीनिंग को और ज़्यादा हम बढ़ा देंगे और लगभग 35,000 देश के अंदर 35,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स को स्क्रीन किया जा चुका है। 20 ऐसे पैसेंजर या सर्वेलेंस के दौरान पाए गए
कॉन्टैक्ट जिनकी हिस्ट्री में कोई भी चाइना के ट्रेवल से लिंक था, सिम्टम्स थे, और वो शायद जिस समय स्क्रीनिंग शुरू हुई उसके पहले चीन से आ चुके थे, उनके भी हमने जो है सैंपल्स को टेस्ट किया है, उनको आइसोलेट किया है, वो सभी हमें नेगेटिव मिले हैं। देश में एनआईवी पुणे के बाद 4 और स्थानों पर वायरस के टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर दी गई हैं 4 लैब्स में, और आने वाले कुछ ही दिनों में ये 10 स्थानों पर वायरस को टेस्ट करने की फैसिलिटीज होंगी। सभी ऐसे संबंधित शहरों में हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन के लिए अच्छे क्वालिटी के, जरूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट के लिए, उनको सर्वेलेंस में रखने के लिए स्पेशल बेड्स क्रिएट कर दिए गए हैं। 3-4 दिन पहले ही हमने अपने हेल्थ मिनिस्ट्री से सभी 7 बड़े एयरपोर्ट्स वाले शहरों में यहाँ से 3-3 एक्सपर्ट्स की टीम्स को यहाँ से बनाकर भेजा है, जो एयरपोर्ट पर जो कुछ चेकिंग हो रही है उसकी भी सारी क्वालिटेटिव टेस्टिंग कर रहे हैं। अस्पताल में जो फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं उनकी भी सब प्रकार की जानकारियाँ ले रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने एक कंट्रोल रूम का नंबर, जिसको हेल्पलाइन नंबर है, उसको भी एस्टैब्लिश किया है। लैंडलाइन नंबर है ये 2397-8046। मैं हिंदी में भी बताता हूँ, 2397-8046। इसकी बराबर सोशल मीडिया पे, अखबार से और भी जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उनसे लगातार प्रचार हो रहा है। इस विषय पर हमारा सभी देशवासियों से अपील है कि अगर कोई भी आपके ध्यान में है कि उसका चाइना के साथ 1 महीने के अंदर ट्रैवल की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, कोई चाइना से आया है उसके साथ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, और ख़ासकर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, सिम्टम्स यानी कि आपको कोई बुखार महसूस होता है, जुखाम महसूस होता है, गले में कोई तकलीफ़ महसूस होती है, खांसी महसूस होती है, सांस की तकलीफ़ महसूस होती है, तो आप संकोच मत करिए। आप अगर हमें हेल्पलाइन नंबर पर इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपका टेलीफोन नंबर लेके अपने सर्वेलेंस ऑफिसर्स की मदद से आपका चेकअप इत्यादि कराने के लिए आपको सही गाइडेंस देंगे, सही स्थान पर आपको भेजने के लिए। यानी कि यू प्लीज़ हेल्प अस सो दैट वी कैन हेल्प यू, इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए इस और भी ज़्यादा संतोष हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस विषय को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में 26 जनवरी की व्यस्तता के बावजूद 25 जनवरी को उनके ऑफिस ने, उन्होंने खुद सारे सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसको मॉनिटर किया है। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो लगातार इसको सारे सरकार के ऑफिसर्स के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय में हम स्वयं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी और दूसरे हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो इस सारे विषय को पूरा वॉच कर रहे हैं। सारे देश में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने सब प्रकार का सतर्कता बरतने के लिए जानकारियां भेजी हैं, उनको एडवाइजरीज भेजी हैं। देश के लोगों के लिए हमने ट्रैवल के संदर्भ में एडवाइजरीज को इशू किया है। मैंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी जो है पिछले सप्ताह लिखी है, ताकि सब जगह पर सब लोग अलर्ट रहें। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोगों ने अपनी सतर्कता से जिस प्रकार से 2014 में इबोला को भी भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर हम ये जो नोवल कोरोना वायरस है इसको भी भारत में प्रवेश ना करने दें।